हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आए हैं। जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा कल का 29 नवंबर का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्ट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी यहाँ पे देख सकते 17,026 के, एक अच्छा खासा ब्लड बाथ मार्केट में देखने को मिला। यहाँ पे देखे तो जो साउथ अफ्रीका में कोरोना का वेरियंट आया, तो उसी वजह से इस न्यूज़ के कारण ग्लोबल मार्केट यहाँ पे क्रैश हुए। निफ्टी भी देखे तो सबसे मतलब इस साल का सबसे बड़ा अगर गिरावट देखे तो आज के दिन देखने को मिली, जो कि 500 पॉइंट नीचे की तरफ यहाँ पे गिरता हुआ देखना। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन एनालिस करके देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, जो कि निफ्टी अभी फिलहाल के लिए देखे तो 17,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, जो कि 2 दिसंबर का ऑप्शन एक्सपायरी है, तो उसको अपन एनालिस करेंगे। तो चलिए अभी 17,000 का लेवल अगर देखें तो यहाँ पे 17,000 का लेवल तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो क्लोजिंग यहाँ पे डेटा के हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो 17,183 देखने को मिल रहा है। चलिए 17,000 का लेवल फिर से देख लेते, ये वाला लेवल 100 का लेवल ऊपर की तरफ तो अच्छा सा कॉल राइटिंग देखने को मिला है 200, 150, 100 के लेवल पे, लेकिन नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो 22,000 यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, जो कि 17,000 का सपोर्ट है। अगर 17,000 के नीचे सस्टेन करना चालू होता है और यहाँ पे 960, 950 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे 900 का सपोर्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे 17,000 के ऊपर ओपन होता है कि नहीं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सस्टेन करते तो अच्छा सा मूवमेंट एक 50 या 100 के रेंज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट गिरा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इस पैनिक सेलिंग में अगर देखें तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट को ज़्यादा मतलब सोचिए मत, क्योंकि यहाँ पे अगर पैनिक यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए तो यहाँ पे जब भी रेजिस्टेंस जाएगा तो रेजिस्टेंस को देखिए क्या होता है, वहाँ पे रिजेक्शन आते हैं तो वहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से मेरा कुछ नहीं, लेकिन 17,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 100 और 200 के लेवल के रेजिस्टेंस के लिए देखने को मिल रहा है। चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक पे देखें तो यहाँ पे निफ्टी डेली कैंडलस्टिक में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए डेली कैंडलस्टिक बहुत बड़ा रेड कैंडल हुआ, जिसके वजह से यहाँ से सेल एंड राइज एक प्राइस एक्शन बना यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे लगा यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट वगैरह के 400 के लेवल के ऊपर यहाँ पे, लेकिन जो न्यूज़ आया उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल लगे। अगर 17,000 लगे तो साइकोलॉजी लेवल है, पिछली बार भी यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर की तरफ मूवमेंट कर अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और इस 17,000 के नीचे यहाँ पे फिर से डेली कैंडल क्लोज मिलता है यहाँ पे नीचे चलता है तो उसके लिए अहम सपोर्ट रहेगा 16,600 का लेवल, तो यहाँ पे नज़र बना के रखें। अगर 17,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता आने वाले दिनों में तो मार्केट नीचे की तरफ और देखने को मिल सकता है। चलिए अभी 15 मिनट में देखेंगे कि इंट्राडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखें तो 15 मिनट में प्राइस एक्शन पूरा नीचे का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट 17 और ऊपर की तरफ जाता है। अगर आपको बाय भी करना है तो आपको बाय कब करना होगा, जो 160 का लेवल देख सकते 17,160 के यहाँ पे ऊपर को यहाँ पे डेली कैंडल क्लोज करते हैं तभी मार्केट का ट्रेंच कह सकते हैं थोड़ा सा बाउंस बैक के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलता है तो सेल एंड राइज स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी में। यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी तक कोई मेरा यू अप साइड के लिए नहीं है, लेकिन 17,000 का साइकोलॉजी लेवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैप मत हो जाइए क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। 170 में जो स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तभी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अगर देखें, बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दी 36,000 की आवर क्लोजिंग दी है और यहाँ पे 36,400 शो कर रहा है। तो चलिए अभी चलते 36,000 का लेवल अगर देखें तो 36,000 के लेवल पे अच्छा सा 16,000 का पुट राइटिंग मतलब अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर देखें तो 36,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वहाँ पे अच्छा सा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नज़र बना करके 36,000 का जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो अच्छा सा मार्केट और बेयरिश देखने को मिल सकता है। अगर 36,000 का लेवल को होल्ड करता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ बनता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए भी डेली कैंडलस्टिक में बैंक निफ्टी देखेंगे किस तरह से मोमेंटम करता है देखने वाला। डेली कैंडलस्टिक में अगर देखें तो अच्छा सा सपोर्ट पे खड़ा है, जो कि 35,800 का लेवल है, वहीं से उसने एक बाउंस बैक करने की कोशिश की है। अगर यहाँ पे देखें तो 35,800 का जो लेवल है, 800 का लेवल को अच्छा से सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो ब्लू लाइन मैंने खींचा है, ब्लू लाइन को एक अच्छा सा सपोर्ट कर रहा है। अगर ये ब्लू लाइन के नीचे डेली कैंडलस्टिक यहाँ पे फिर से अगर क्लोजिंग देती है तो अच्छा सा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी इसको 15 मिनट के लेके जाते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए कौन सी लेवल रहेगी यहाँ पे देखने होगा, और यहाँ पे स्विंग हाई अगर देखें तो 36,500 का जो लेवल है इसके ऊपर, 36,500 का लेवल के ऊपर अगर स्विंग हाई को क्रॉस करता है तो भी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा गिरावट मिलने देखने को मिल रहा है। वन डे में अगर देखें तो 1,300 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी
गिरा हुआ है। तो यहाँ पे स्विंग हाई अगर देखें तो 36,400-36,500 इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है तभी एक अच्छा सा स्विंग हाई क्रॉस करके ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदर यहाँ पे रिट्रेस होता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलता है तो फिर से सेल ऑर्डर स्ट्रेटेजी देखने को मिलता है। अदर जिस सपोर्ट को ब्रेक करता है इसके नीचे और यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो फिर से एक रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद अगर यहाँ पे आप सेल कर रहे हो तो आप क्वांटिटी कम कीजिए, ताकि यहाँ पे एक बड़ा फॉल आने के बाद एक मार्केट रिट्रेस भी कर सकता है थोड़ा फार। लेकिन इतना बड़ा फॉल आने के बाद एग्रेसिवली सेलिंग मत कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन हो रहा है, अगर यहाँ पे कम क्वांटिटी में आप काम कर सकते हैं। तो चलिए अभी इन लेवल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेंड चेंज है मेरे हिसाब से अभी सेलर राइज स्ट्रेटेजी देखने को मिल चाहिए। चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक के देखिए हेवेटे स्टॉक्स देखेंगे जो कि इंडेक्स को लीड कर। अगर यहाँ पे रिलायंस देखें तो रिलायंस ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, उसके बीच में एक रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पे नज़र बना के रखें एक सपोर्ट के ऊपर रिलायंस ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक देखें तो एचडीएफसी बैंक तो गैप डाउन होकर नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन पिछली बार के लिए उसका जो सपोर्ट था एक बार दिखा देता हूँ, इस ग्रीन कैंडल का लो, इस ग्रीन कैंडल का लो आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो इस ग्रीन कैंडल को लोग यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश की, बहुत दिन यहाँ पे इसी जोन में था, उसके बाद ने ब्रेकआउट दिया, तो अभी एम लेवल के पास उसने लो बनाया, इस लो को ब्रेक करता है, इसके नीचे निकलता है, तो एचडीएफसी बैंक में और यहाँ पे मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस अगर देखें तो इसी जोन में यहाँ पे कोई व्यू नहीं मेरा। एचडीएफसी अगर देखें तो एचडीएफसी देख सकते हो, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे नीचे की तरफ इस सपोर्ट लाइन के नीचे भी आए। तो इसके लिए अगर क्रूशियल सपोर्ट अगर देखें तो मेरे हिसाब से अगर क्रूशियल सपोर्ट अगर देखें तो ये लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल को नीचे आता है तो सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है इसी जोन में अगर कुछ दिन साइडवेज रहता है उसके बाद अच्छा सा ऊपर या नीचे मोमेंटम करता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है। टीसीएस अगर देखें, टीसीएस थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट नीचे की तरफ था लेकिन टीसीएस यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे कोई व्यू नहीं अभी तक टीसीएस मेरा। कोटक भी देखे तो इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एचयूएल देखे तो एचयूएल देखे जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाया था उस ट्रेंड लाइन के अबव यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे नज़र बना के एचयूएल में, एचयूएल अगर यहाँ से घूमता है अभी आने वाले दिनों में, इस ट्रेंड लाइन को अच्छा से मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से आने घूमता है तो एक अच्छा स्विंग ट्रेंड मिल सकता है, अदरवाइज इसके नीचे आता है तो प्राइस एक्शन देखिए और फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल्स तो एक मेरे को लगता है 245 तक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलनी चाहिए। एक्सिस बैंक कर देखे तो एक्सिस बैंक सपोर्ट के यहाँ पे नीचे की तरफ भी आते हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते थे नज़र बना करके। एलएनटी देखे तो एलएनटी के लिए जोन है नीचे की तरफ आते हैं तो 1743 का एक सपोर्ट का एरिया रहेगा, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए यहाँ पे एलटी के। एसबीआई देखे तो एसबीआई में यहाँ पे एक देख सकते हैं, पिछली बार यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था तो अभी उसी पर तरफ सपोर्ट है, और यहाँ पे देख सकते यू शेप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन होता है कि नहीं यहाँ पे नज़र बना के रखना पड़ेगा। इंडोसल बैंक तो इंडोसल बैंक ने अच्छा सा नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दिया है। इंडोसल बैंक अगर देखे तो जो मोस्टली एफआईएस का फेवरेट स्टॉक है तो यहाँ पे नज़र बना के रखे, और यहाँ पे एक बार मैं ट्रेंड लाइन भी खींच के देखा तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ट्रेंड लाइन इस यहाँ पे वर्क कर रही है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे तो इस ट्रेंड लाइन को भी उसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे देखे इस ट्रेंड लाइन का अगर देखे तो लो यहाँ पे अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से एक मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखे इन स्टॉक्स के ऊपर, एक अच्छा सा व्यू मैंने आपको दिया डेली कैंडलस्टिक पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह है, और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता कि कल के ट्रेडिशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मेरे वजह से इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया तो यहाँ पे सेल और ट्राइज की स्ट्रेटजी देखेंगे, अदरवाइज देखेंगे किस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है। अदरवाइज यहाँ पे मेरे व्यू में कोई चेंजेस वगैरह हो रहा है मार्केट ओपनिंग के बाद अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, ताकि तरह तरह की एनालिसिस चार्ट्स वगैरह मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको इंट्राडे में हेल्प हो जाए। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूं।